गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग सेट फोर, एनटीए सेट फोर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस इज यूज टू एक्सट्रैक्ट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस है, यानी मेटलर्जी में जो हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक यानी इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस जो यूज करते हैं, उसमें किस मेटल के लिए यूज किया जाता है। तो पहले आप एक बात समझो, इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस उस मेटल के लिए आप यूज करेंगे जो मेटल हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि उनका रिडक्शन, क्योंकि आपको पता है लास्ट में हमें एक मेटल का क्या कराना पड़ता है, उसको रिड्यूस कराना पड़ता है, ठीक है। तो रिडक्शन नॉर्मली सी और सीओ से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके लिए जनरली इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस यूज किया जाता है। सिंपल है। तो आप देखो यहाँ पे जो चार ऑप्शन आपको गिवेन है, तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन दिख रहा है, और अगर इसमें तो आपको समझ में आ गया होगा, सोडियम कहीं पर भी फर्स्ट ए या सेकंड ए ग्रुप का कोई भी मेटल दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक। और रिएक्टिव है तो उसी के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस यूज किया जाएगा। तो मोल्टन NaCl के थ्रू हम लोग सोडियम को इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस के थ्रू क्या करते, अलग करते हैं। कैसे? तो फिलहाल इसका आंसर तो आ गया कि इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस यूज टू एक्सट्रैक्ट, आंसर होगा सोडियम। और कैसे, हमने मोल्टन NaCl लिया, तो ये मोल्टन NaCl यहां पर है, और जब आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर ये क्या होगा, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन में क्या होगा, डिकम्पोज यानी डिसोसिएट हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। और आपको पता है कि एनोड पर, एट एनोड पर कौन आएगा, एनायन आएंगे, सीएल माइनस यहां पर एनायन है, और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो सीएल माइनस ऑक्सीडाइज होके सीएल टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज करेगा, बैलेंस कर लीजिए तो टू सीएल माइनस आपने कर लिया। अब क्या होगा, एट कैथोड, तो कैथोड पे कौन होगा, यहां पर सोडियम कैटायन आएगा, तो सोडियम आयन यहां पर आया, और ये सोडियम आयन कितने इलेक्ट्रॉन है, टू इलेक्ट्रॉन है, तो टू मोल सोडियम आयन, तो ये क्या बना देंगे, टू मोल सोडियम। चार्ज जरूर बैलेंस होना चाहिए, ये कई बार बताया जा चुका है कि यहां पे जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है कैथोड पर, इलेक्ट्रॉन क्या हो उतने आए, अगर अलग अलग है तो आपको क्या करना होगा, उसको बैलेंस करना होगा। तो देखिए यहां पर कैथोड पर सोडियम एक्सट्रैक्ट कर दिया गया, तो दिस इज द इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस, सिंपली यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस करवाई गई है। एंड और आपको ये भी समझ में आया कि इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर होगा थ्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फेट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी, यानी किस सल्फेट की हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी है। तो सॉल्युबिलिटी के लिए कॉन्सेप्ट क्या है कि हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, जिस केस में हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगी वहीं पर वो सॉल्ट सॉल्युबल होगा। तो अब लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है, थ्योरेटिकली हम लोग इसमें फेल हो जाते हैं सॉल्युबिलिटी निकालने में। क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी दोनों का ही फार्मूला सेम है, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सिमिलरली सॉल्युबिलिटी में भी हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी में भी यही सेम फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो थ्योरेटिकली हम लोग यहां पर फेल हो जाते हैं सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने में, तो इसलिए हमने कई सारे तरीके आपको बताए हैं। और मेन हमने बताया कि यहां पर क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम लोगों ने एनायन को सेपरेट कर दिया, कैसे, लार्जर एनायन एंड स्मॉलर एनायन, जनरल है, जनरल एक्सेप्शन बहुत सारे हैं इसमें। जनरल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लार्जर एनायन अगर है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, और अगर स्मॉलर एनायन है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। लार्जर एनायन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, एंड स्मॉलर एनायन डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। क्लियर? बट यहां पर अगर आप फर्स्ट ए मेटल, यानी फर्स्ट ए का मतलब एल्कलाइन मेटल का सल्फेट लीजिए, तो यहां पर एक्सेप्शन आ जाता है। सल्फेट आयन क्या है, बड़ा एनायन है, तो बड़ा एनायन है तो सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे डिक्रीज करेगी,
ठीक है, बट फर्स्ट ए के अगर मेटल आप सल्फेट लेते हैं तो वहां पे सॉल्युबिलिटी क्या करने लगती, इंक्रीज करने लगती है, लेकिन सेकेंड ए के मेटल सल्फेट में कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी यहां पर डिक्रीज करेगी। यानी यहां पर अगर हम देखें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, तो बेरिलियम का सल्फेट बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड स्ट्रॉन्शियम सल्फेट, तो डाउन द ग्रुप जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है सल्फेट में सेकेंड ए में, तो यहां पर सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, बेरिलियम सल्फेट होगा। लेकिन यहीं पर अगर फर्स्ट ए मेटल सल्फेट होता तो सल्फेट आयन बड़ा है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करनी चाहिए थी, बट फर्स्ट ए के मेटल सल्फेट में डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, तो ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कई सारे वो हमने बता रखे हैं, फिलहाल ये क्वेश्चन था, मैंने यहां पर डिस्कस कर दिया। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर होगा 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन में बोल रखा है उसने द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्थोबोरिक एसिड। तो आपको पता ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3। ऑर्थोबोरिक एसिड इज H3BO3, इट मींस BOH होल थ्राइस। अगर आप इसके मोनोमर का एक स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ करते हैं तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। बट आपको पता है कि ऑर्थोबोरिक एसिड जो होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जब आप इसका एनसीईआरटी में भी स्ट्रक्चर गिवन है तो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस प्रकार से अगर आप यहां पे लेते हैं बीओ, ये एच, इस प्रकार से ये एच है तो ये ओ हो जाएगा, ये बी हो जाएगा एंड ये ओ, ये एच, देन यहां पर ये एच है तो ये ओ के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और इस प्रकार से यहां पर इसका बॉन्डिंग होती चली जाती है, समझ में आया। तो कहने का मतलब है कि यहां पर ये ऑर्थोबोरिक एसिड का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो क्या होगा, यहां से OH से H प्लस आयन रिलीज नहीं होगा, क्योंकि अगर OH से H प्लस आयन यहां रिलीज आपने कर दिया तो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर ही टूट जाएगा। और आपको पता है कि कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर ज्यादा मजबूत स्ट्रक्चर होता है, किसी का अगर ओपन चैन स्ट्रक्चर है और उसी सेम मॉलिक्यूल का साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, और वहां से कोई भी एक एटम अगर आप निकालेंगे तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो जाएगा। तो कोई भी अगर एसिड है तो एसिड के केस में आप लेते हैं बेसिसिटी, तो बेसिसिटी का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि उससे आप एच प्लस आयन निकालिए और उसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए। जैसे जो नॉन साइक्लिक एसिड जो हमारे पास है उसमें से जो मान लीजिए एसिडिटी है यानी बेसिसिटी है, जो H प्लस आयन वहां रिलीज कर रहे हैं तो H प्लस आयन निकलने के बाद उसका कोई स्ट्रक्चर बिगड़ता नहीं है, कोई चेंज नहीं आता, सिंपली वहां से H प्लस आयन रिलीज हो जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है, यहां पर इट इज डाई बेसिक एसिड। अब अगर यहां से देखिए ये H प्लस आयन और ये H प्लस आयन 2OH है तो 2H प्लस आयन रिलीज होगा, तो 2H प्लस आयन रिलीज होने के बाद भी इसका स्ट्रक्चर यही होगा, यानी ये मतलब टेट्राहेड्रल है और 2H प्लस आयन रिलीज हो जाएंगे तो भी इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही होगा। तो कहने का मतलब ये है किसी भी एसिड से अगर H प्लस आयन रिलीज होते यानी बेसिसिटी वो शो करता है तो उसके स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो आप खुद ही देखो ऑर्थोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर साइक्लिक है, अगर आप यहां से H प्लस आयन रिलीज करवाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्लियर। तो समझते हैं जरा इसमें स्टेटमेंट जो दे रखा है, तो बोलता है इट इज अ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड तो सही है बट इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग, इट इज अ वीक, आपको पता है। सेकेंड है इट इज नॉट अ प्रोटॉन डोनर, एकदम सही है कि यहां पर देखिए OH है बट यहां से OH से एच प्लस आयन रिलीज नहीं होगा, है ना, क्यों नहीं रिलीज होगा, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। बट अ वीक लिविस एसिड, यस ये लिविस एसिड है, क्यों, यहां पे देखिए बोरॉन कितने यहां पर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, अगर हम यहां पे देखें इस स्ट्रक्चर में तो बोरॉन यहां पे 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 3 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहां पे, 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या होगा, ये लिविस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो आप देखिए कि अगर आप यहां पर ऑर्थोबोरिक एसिड की रिएक्शन वाटर से करा दीजिए तब 1H प्लस आयन रिलीज होता है, कैसे, वो H प्लस आयन वाटर से H प्लस आयन रिलीज होता है, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन में ये
एच प्लस आयन निकालेगा, लेकिन वो जो निकलेगा वो वाटर से निकलेगा। जैसे यहां बोरिक एसिड H3BO3 प्लस H2O लिया, ये इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बना लेगा BOH होल 4 के ऊपर माइनस और ये एच प्लस आयन। यही एच प्लस आयन इसकी बेसिसिटी को एक्वस सॉल्यूशन में डिनोट करवाते हैं। तो ये जो एच प्लस आयन निकल रहा है ये यहां से नहीं निकल रहा है, ये वाटर से निकल रहा है। तो एक्वस सॉल्यूशन में इसने 1 एच प्लस आयन रिलीज किया तो बेसिसिटी इसकी 1 हो गई, क्लियर। और ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता, आपको पता है क्यों नहीं डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो आप सेकंड स्टेटमेंट में ये क्या बोल रहा था, इट इज नॉट अ प्रोटॉन डोनर, एकदम करेक्ट है, बट अ वीक लिविस एसिड, ये भी सही है, क्योंकि ये वीक लिविस एसिड है। क्यों लिविस एसिड है, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। थर्ड है, इट इज अ ट्राई बेसिक एसिड, पता है इसमें 3OH जरूर है बट यहां से 3H प्लस आयन रिलीज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इट फॉर्म्स साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो इट इज नॉट ट्राई बेसिक एसिड। इन एक्वस सॉल्यूशन इट इज मोनो बेसिक एसिड, इज इट क्लियर। नाउ फोर्थ, इट इज हार्मफुल फॉर आई नो, हार्मफुल नहीं बल्कि ये बेनिफिशियल होता है, आप बायोलॉजी में इसका यूज भी पढ़ते हैं, बोरिक एसिड को हम लोग यूज करते हैं, तो ये हार्मफुल नहीं है, समझ में आया। तो यहां पर लिखा इट इज हार्मफुल, तो मोस्ट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकेंड, यानी क्वेश्चन नंबर 13, आंसर नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बोलता है कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ टोलीन एंड नाइट्रोबेंजीन आर 0.43 डिवाई एंड 3.93 डिवाई रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट ऑफ पैरा नाइट्रो टोलीन। इट मींस टोलीन एंड नाइट्रोबेंजीन का आपको अलग अलग डाइपोल मोमेंट गिवन है, और आपसे पैरानाइट्रोटोलिन का डाइपोल मोमेंट आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए ये हो गया टोलिन CH3 और इसका आपको डाइपोल मोमेंट गिवन है 0.43 डिवाई, क्लियर। दूसरा ये हो गया नाइट्रोबेंजीन एंड इसका भी आपको डाइपोल मोमेंट गिवन है 3.93 डिवाई, एंड पूछ किसका रहा है आपसे, पैरा नाइट्रोटोलिन का, तो ये हो गया पैरा नाइट्रोटोलिन। अब देखिए CH3 यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, क्यों आपको पता है, क्यों ये पता, प्लस एच के कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है ना, हाइपर कंजुगेशन लग रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यानी ये प्लस एच हो गया, यानी कुल मिला के इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। एंड नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो जो ग्रुप है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा इधर की तरफ। तो आप देखो दोनों का जो डायरेक्शन है वो तो सेम है ना, सेम डायरेक्शन है, ये भी इधर की तरफ डायरेक्शन है, इधर इसकी भी डायरेक्शन है, और इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट आपको गिवन है, तो डायरेक्शन दोनों की सेम है, और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी जो कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को देखा जाएगा, तो मैग्नीट्यूड तो हमको दोनों के अलग अलग सेपरेट पता है, बट डायरेक्शन हमने यहां से समझ ली, और अगर सेम डायरेक्शन आ रही है तो नेट डाइपोल मोमेंट दोनों का सम होगा। यही डाइपोल मोमेंट अगर की डायरेक्शन अलग अलग होती, एक की डाउनवर्ड होती एक की अपवर्ड होती, तो ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को आप क्या कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते, बट इस केस में दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए आप जो यहां पे नेट डाइपोल मोमेंट बनेगा वो दोनों को ऐड करके बनेगा, तो म्यू नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.43 प्लस 3.93, तो 336 हो गया, 9413 हो गया एंड 314, तो 4.36 डिवाई, तो आंसर कौन सा, थर्ड आंसर है 4.36 डिवाई। तो क्वेश्चन नंबर 15, आंसर नंबर 3। देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बोलता है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स। तो आपको पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी दो मेजर फैक्टर पर डिपेंड करता है, फर्स्ट फैक्टर है साइज, तो जितना स्मॉलर साइज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी, एंड सेकेंड फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, यानी जहां पर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होंगे वहां के ऑर्बिटल स्टेबल होंगे, और स्टेबल ऑर्बिटल का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो ज्यादा होगी। मींस जैसे यहां पर फास्फोरस है, नहीं भी तो समझ लीजिए फास्फोरस है, तो फास्फोरस में हाफ फिल्ड आया, तो फास्फोरस की आयनाइजेशन एंथैल्पी किससे ज्यादा होगी,
इधर उसके बगल वाले फॉस्फोरस का ग्रुप नंबर 15 है, तो 14 ग्रुप एलिमेंट यानी सिलिकन, और क्या हो जाएगा सिलिकन के बाद फॉस्फोरस, एंड फॉस्फोरस के बाद किधर आ जाएगा सल्फर। इट मीन्स 15 ग्रुप में जो हाफ फिल्ड का कॉन्फिगरेशन है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 14 ग्रुप एंड 16 ग्रुप एलिमेंट से ही केवल ज्यादा होगी, 17 से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि 17 का तो साइज छोटा है। तो वही बात हम यहां पर आपको बोल रहे थे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी में दो मेजर फैक्टर हैं, साइज एंड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी, दैट इज हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, और यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में हमेशा डोमिनेंट फैक्टर साइज है। तो ऑर्बिटल स्टेबिलिटी कब डोमिनेंट फैक्टर होता है, तभी डोमिनेंट फैक्टर होगा जब उसका डिस्कशन उससे एडजेसेंट एलिमेंट से किया जाए, अगल बगल से, तभी डोमिनेंट माना जाएगा। तो अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर जो आपको एलिमेंट गिवेन है, बोरॉन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड फ्लोरीन, हम सबका कॉन्फिगरेशन कर दे रहे हैं। तो बोरॉन का 2s2 2p1 आएगा, एटॉमिक नंबर 5 है। सल्फर का अगर आप देखें तो क्या आएगा, 3s2 3p4 आएगा। फॉस्फोरस का देखें तो कॉन्फिगरेशन 3s2 3p3 आएगा, एंड फ्लोरीन का देखें तो फ्लोरीन है 2s2 2p5। अब इसको जरा पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अगर अरेंज करें तो ये आपको पता है ये 13 ग्रुप का है, ये सल्फर जो है 16 ग्रुप का है, फॉस्फोरस 15 ग्रुप का है, एंड फ्लोरीन 17 ग्रुप का है। तो अगर हम इसको इस प्रकार से अरेंज कर दें पीरियोडिक टेबल में, तो यहां पर हम लिख देते हैं 13 ग्रुप, 14 15 16 एंड 17। तो 13 में ये बोरॉन हुआ, ये सेकेंड पीरियड में आ रहा है, एंड इधर थर्ड पीरियड हमने लिया तो बोरॉन, एंड उसके बाद आपको गिवेन है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस जो है वो थर्ड पीरियड में है, देन उसके बाद सल्फर है, सल्फर के बाद इधर फ्लोरीन है। क्लियर? आपको पता है जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जो साइज होता है वो डिक्रीज करता है, एंड जब अप टू डाउन आते हैं तो जो साइज होता है वो इंक्रीज करता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज यहाँ पे किसका हो रहा है, फ्लोरीन का, क्योंकि सबसे छोटा साइज है तो हमेशा क्या साइज को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, तो फ्लोरीन हो गया सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर। उसके बाद फॉस्फोरस और सल्फर एंड बोरॉन, तो फॉस्फोरस एंड सल्फर में अगर आप देखो तो ये एडजेसेंट हो गए, यहाँ पे 3p3 है, ये हाफ फिल्ड है, और ये 3p4 है। अभी मैंने बताया कि जहां पर ऑर्बिटल स्टेबिलिटी की बात आती है तो केवल एडजेसेंट एलिमेंट ही में ऑर्बिटल स्टेबिलिटी देखी जाएगी। इट मींस फॉस्फोरस और सल्फर का अगर यहाँ पे आप कंपैरिजन करें तो यहाँ पर फॉस्फोरस की क्या होगी, आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी केवल सल्फर के कंपैरिजन में, क्यों, हाफ फिल्ड। तो फ्लोरीन, देन फॉस्फोरस, देन सल्फर, एंड फिर बोरॉन हो जाएगा यहां पर, देन ये बोरॉन। समझ में आ गया? तो ये ऑर्डर होगा, तो देखिए कौन सा ऑर्डर दिख रहा है, बोरॉन, सल्फर, फास्फोरस एंड फ्लोरीन, आंसर इसका 1 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 19 आंसर नंबर 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20, क्वेश्चन में बोल रखा है कि व्हेन NaCl इज हीटेड विद द सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 अ ग्रीनिश येलो गैस इज लिबरेटेड। तो आपके सिलेबस में एक ही कलर ग्रीनिश येलो कलर है, क्लोरीन, नाम ही से उसका आता है ना, क्लोरोफिल से, एंड क्लोरोफिल क्या हो गया, ग्रीनिश येलो, तो समझ में आ गया। बट रिएक्शंस कैसी होगी देखिए, और ये जो रिएक्शन है ये एनसीईआरटी में गिवन है आपको, तो देखिए क्या है, पहले क्या बोला उसने, जब NaCl की रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे हैं तो NaCl ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, NaCl की रिएक्शन आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई तो ये बनेगा NaHSO4 बनेगा और प्लस HCl बनेगा, समझ में आ गया। फिर बोलता है कि सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 अ ग्रीनिश येलो कलर गैस इज लिबरेटेड, तो HCl जो यहां से लिबरेट हुआ उसको अगर आपने क्या कर दिया, MnO2 के साथ ट्रीट कर दिया, तो MnO2 की रिएक्शन आपने HCl से कराई, ये भी NCERT में गिवन है, तो क्या बन जाएगा, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, और ये देखिए ये Cl2 बना और इसका कलर कैसा होगा, ग्रीनिश येलो। तो पहले उसने जब ग्रीनिश येलो बोला तभी हमको समझ में आ गया था कि आंसर तो इसका Cl2 ही होगा, लेकिन रिएक्शन से भी अपने को समझना होता है कि क्यों Cl2 और कैसे Cl2 बनी ये है, और ये दोनों ही रिएक्शन आपको NCERT में गिवन है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 20 आंसर नंबर 1।
देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन में बोल रखा कंपाउंड ऑफ वैनेडियम क्लोराइड हैज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 बोर मैग्नेटॉन। आपको मैग्नेटिक मोमेंट आपको गिवन है एंड बोलता है कि वैनेडियम क्लोराइड का यहाँ फार्मूला क्या होगा। तो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट के थ्रू यहाँ पर वैनेडियम के ऊपर चार्ज फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेंगे। किससे? मैग्नेटिक मोमेंट से। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर भी पता चलेगा। कैसे पता चलेगा आप समझिए। तो यहाँ पर म्यू का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट NN प्लस 2 BM बोर मैग्नेटॉन। एंड म्यू की वैल्यू कितनी की वैन है 1.73 N प्लस 2। अब ये 1.73 जो है वो किसकी वैल्यू, यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू है। तो ये रूट 3 हो गया और ये हो जाएगा NN प्लस 2। अब करेंगे क्या, आप दोनों तरफ स्क्वायर करके आप N की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा और दोनों तरफ का, तो अब क्या होगा N की वैल्यू आ जाएगी। तो N की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो N क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा वैनेडियम लिया गया है जिसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो वैनेडियम का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, एटॉमिक नंबर है 23, तो 4s2 3d3 कॉन्फिगरेशन होगा। अब इसमें केवल 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया तो क्या हो सकता है, इसका मतलब d1 बाकी है। क्या बाकी है? d1। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए यहां से, s से 2 इलेक्ट्रॉन और d से 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि d में 3 है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं, 1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 1 बच रहे हैं। तो कब बचेंगे, जब वैनेडियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 कर दीजिए तो कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 4s0 3d1। तो देखिए ये जो d1 है तो ये इसका क्या आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता लगा तो हमें वैनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर किस प्रकार से फाइंड किया, क्लियर हो गया होगा आपको। और जब वैनेडियम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया है तो इसके क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, Cl पे -1 एंड वैनेडियम पे +4। आंसर क्या हो जाएगा, VCl4। तो आंसर यहां पर आपको जो दिख रहा है वो थर्ड दिख रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 30 आंसर नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 बोल रखा है कि किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहां सबका 6 ही है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होने पर केवल एक ही केस बन पाता है, जहां पर क्या नाम है, सारे बाइडेंटेड लाइगेंड लगा दीजिए। अगर बाइडेंटेड लगेंगे तो ट्रांस नहीं बन पाएगा, अगर सारे बाइडेंटेड लाइगेंड है तो। कैसे? जैसे देखिए ये समझ में आ रहा है, अब यहां पर आपने इसको ड्रॉ किया तो एक EN आप सॉरी EN नहीं ऑक्सिलेट है यहां पर, तो OX ये ले लिया, ये OX ले लिया, ये तो सिस बन गया ना। अब ट्रांस आप कैसे फॉर्म करोगे भाई, एक OX इधर लोगे, ये इधर ले लिया, अब ये दो अपोजिट वैलेंसी आ गई। और ये मैंने बता भी रखा, आपको पता भी होना चाहिए कि बाइडेंटेट लाइगेंड कभी भी अपोजिट वैलेंसी के थ्रू सेटिस्फाइड नहीं होते। बाइडेंटेट लाइगेंड में जो डोनर एटम है वो कभी भी अपोजिट जो वैलेंसी वैकेंट है उससे आप कभी भी अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, उनके बीच में एंगल स्ट्रेन काफी हो जाएगा और वहां बॉन्ड टूट जाएगा। समझ में आया? तो इन सब में देखिए यहां मोनोडेंटेड लाइगेंड है, तो मोनोडेंटेड लाइगेंड है तो इसका आप सिस और ट्रांस दोनों बना सकते हैं। इसमें भी मोनोडेंटेड लाइगेंड है तो ये बन सकता है, तो इसी में सारे बाइडेंटेड लाइगेंड है तो इसका सिस तो बना लेंगे आप, इसका सिस तो बन जाएगा, बट आप इसका ट्रांस नहीं बना पाएंगे। तो जब ट्रांस नहीं बनेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पॉसिबल होगी, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी पॉसिबल होगी जहां पे सिस और ट्रांस दोनों बने। तो ध्यान क्या रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है और सारे लाइगेंड बाइडेंटेट हैं तो वहां पे ज्योमेट्रिकल नहीं होती, क्योंकि वहां का ट्रांस नहीं बन पाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 आंसर नंबर 1। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द N2O5, यानी N2O5 के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट। फर्स्ट, N2O5 इज कलरलेस, सही बात है। एंड डेलिक्वेशन, डेलिक्वेशन का मतलब सॉलिड जो कि लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, तो ठीक है यही तो होता है। तो N2O5 जो डेलिक्वेशन भी है और ये कलरलेस भी है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है ये। सेकेंड, N2O5 इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, सही है, नाइट्रिक एसिड HNO3 हुआ। एनहाइड्राइड का मतलब क्या है कि HNO3 से अगर आप H2O निकालेंगे तो N2O5 बनेगा। कैसे? देखिए HNO3 लिया आपने एंड इसके 2 मोल ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा H2N2O6, एंड यहां से अगर आपने वाटर रिलीज किया
तो क्या फॉर्म हो जाएगा N2O5। देखिए H2 और एक O निकल गया तो बचा क्या N2O5। तो इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड आइए, सॉलिड N2O5 इज कोवेलेंट। इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज जो सॉलिड N2O5 होती है वो आयन के फॉर्म में रहता है। कैसे? NO2 प्लस एंड NO3 माइनस। तो ये तो आयनिक कंपाउंड है ना, ये तो कोवेलेंट नहीं है। तो यही तो इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट आपको पता है, थर्ड इज नॉट करेक्ट क्योंकि सॉलिड N2O5 इज कोवेलेंट मॉलिक्यूल। एंड द फोर्थ बोलता है मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 इज प्लेनर। ये सही है, NCERT में इसका स्ट्रक्चर बना है N2O5 का, तो आप देखेंगे तो उसमें प्लेनरिटी दिखाई देगी। तो N2O5 इज प्लेनर, ये करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन में था कि विच इज नॉट करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज थर्ड बिकॉज सॉलिड N2O5 इज कोवेलेंट, नॉट इट इज आयनिक। तो आंसर इज थर्ड।